नमस्कार, राम राम। आप देखो तेजल मीडिया, आ देखो नगर परिषद की पूरी टीम है, नाटे भीड़ है, नगर परिषद का कर्मचारी है, अधिकारी है, सब लोग है। आ जकी नगर परिषद की एक महत्वाकांक्षी योजना है, मास्टर प्लान जकेरे मो आ रोड चौड़ी कर और बाईपास हूँ मिलाने की योजना ही, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया। स्थानीय लोग आ विरोध भी करे के कई लोगों ने हटाया, कईयों ने अतिक्रमण नहीं हटायो, आ हमेशा ही लोग विरोध करे। आज सुबह सुबह नगर परिषद की टीम अपने पूरे लवाजमे के साथ पहुंची है, अठे सेंट पॉल स्कूल रे आगे रहो दृश्य है, जगह लोग है, नगर परिषद की टीम है, सेंट पॉल स्कूल रे आगे है और सेंट पॉल स्कूल रे आगे नगर परिषद के अधिकारियों को कहना है का एक सामान्य प्रक्रिया है, जगह लोगों की लाइनिंग की, जगह ने नोटिस दिया, जगह अतिक्रमण नहीं हटायो, वो लोगों के सामान्य प्रक्रिया तहत हटाओ और लोगों की मांग के अनुसार शीघ्र यह रोड बनेला, इरो काम शुरू होवेला, क्योंकि लंबे समय हूँ स्थानीय पार्षद जगह बौकारा में वे विरोध करें और स्थानीय लोगों की हमेशा नगर परिषद, स्थानीय विधायक, जिला प्रशासन वहाँ शिकायत रहे कि तोड़न छोड़ दी नहीं, लेकिन ये रोड ने पास ही बनाओ कोई नहीं, लोगों के बड़ी समस्या हुए, वहाँ भाटा घना पड़िया है, लोग हेटा पड़ जिए, एक्सीडेंट हो जिए, टावरों के स्कूल जानो ही मुश्किल हो है, व्यवसायिक लोग है बे किन्ना आप री पास ही रोड बना, आप रो घर पासो ठीक करे, बड़ी तकलीफ और परेशानी में आ बात ले। आज नगर परिषद मौके माते है, अतिक्रमण हटाऊँ जगह नहीं हटायो, बहुत सामान्य प्रक्रिया, जगह नहीं हटायो बितो ही हटावे, नई कोई बात नहीं है। उम्मीद करो कि आज जो ही हो अतिक्रमण हट और नगर परिषद आ रोड बनावेला, आने वाले समय में शहर के लोगों के यातायात में बाईपास की सुविधा होवेला और जगह लोग आपरे जमीन कलेज को टुकड़ो हटा और रोड सौड़ी कण हारू दी है, दिल खुल्लो रखियो है, बोरी उम्मीदों भी पक्की होवेला और विकास में सहायक होवेला, आ उम्मीद है। देखता रहो तेजल मीडिया। राम राम सर। राम राम सर। राम राम सर। के नाम आप रो? मग्गा राम बुढ़िया। मग जी जी। और आज के मामलो है? और नगर पालिका का मामलो है, रोड बन रही है, विकास हो रहा है, पहले 50 फुटी रोड थी, अब 80 फुटी रोड बन रही है, लोगों ने अपने मर्जी से सब अतिक्रमण हटा दिए हैं, बाकी जो बचा हुआ है वो नगर परिषद आज हटा रही है और रोड बननी चाहिए और उसमें मैं सहमत हूँ, ये बात है। तो आ रोड बननी चाहिए, अतिक्रमण हटे तो भले ही हटे, जगह भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी के व्यक्ति विशेष से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, अतिक्रमण हटना चाहिए और रोड बननी चाहिए, विकास में मतलब विकास में नगर पालिका बिल्कुल प्रशासन साथ में हम मतलब ही रोड माते कोई भी आदमी ऐडो नहीं है कि भाई वो नहीं हटाऊ ही में कोई नहीं, नहीं ऐसे कोई आदमी नहीं है, व्यक्तिगत कोई आदमी क्या मेहनत करने हटा ऐसा कोई नहीं है, सब हटाने सहमत है और बिल्कुल रोड बनाने में सहमत है, रोड बननी चाहिए, अतिक्रमण में जो हटना चाहिए व्यवहार से, किसी का भेदभाव नहीं होना चाहिए और रोड बननी चाहिए। तो राम राम साहब। बकराम जी। राम राम साहब। राम राम। आज आके कार्रवाई है और कई जिगिया है आज, आज अके 10 महीना पहले रोड तोड़ी है 80 फुट करने के चक्कर में, बिने आज लारे रेवड़ो काम करना और नगर परिषद आया है, यहाँ कई बार गोता खादा, ज्ञापन देना, धरना दिया, तो भी वजह आज नगर परिषद जागी है एंड मौके मत आई है, हमें काम हरू कियो है, देखो किगर करे के नहीं करे, हम देख रिया मैं भी, तो थाने उम्मीद है कि आज लारे अतिक्रमण रहे जो पूरा हट, बिल्कुल माने तो उम्मीद है और आश्वासन भी है आयुक्त साहब को दिन रो के आज पूरा जितना अतिक्रमण 2-3 दिन में पूरा क्लियर हटा परा, साफ सफाई करा और खंबा है जगह बिजली का बंगो टेंडर हो चुकी है, बेट खंबा वंबा फोरा परा पाछे थारे रोड बना दे। राम जी, आ रोड साल भर अटकुड़ी है तो बड़े कहीं थारे नगर परिषद में तो आई नगर परिषद कोई शिकायत नहीं आई है कि तो मोड़ो क्यों जो शिकायत है, दूसरा यही कहना चाहूँ कि बिना भेदभाव 80 फुट की जगह चिन्हित की है कि मैं भेदभाव नहीं हो ना तो क्योंकि हल्लो तोड़े ना क्योंकि कम तोड़े बराबर कर हैंगो कोई बिना भेदभाव पूरा काम करे, मतलब विकास में देहाते हो भले विकास में मैं तो हैंगो पहले थोड़ा ऐसा विकास में विकास के मैं आडा नहीं फिर और विकास के अब एक लोगों में आक्रोश पैदा नहीं हुआ कि हल्लो उनकी कोई कम कर दे बड़ो नहीं करो भेदभाव नहीं भी वो भी नहीं होना चाहिए, जनता जनता सब समान है चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हूँ।